बिहार के राजनीतिक हलचल के बीच तस्वीर धीरे धीरे साफ नज़र आने लगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से बड़ा ही उथल पुथल मचा हुआ है, और ख़ास करके ये उथल पुथल बहुत ही कहा जाए तो छोटे कारणों से है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण बिहार की राजनीति में उथल पुथल का बना हुआ है। एक तरफ जहाँ 24 सीटों के स्थानीय निकाय से MLC के चुनाव होने हैं उसको लेकर के गहमा गहमी है, वहीं दूसरी तरफ एक सीट जो खाली हुई थी NDA की सीट थी बोचहा, उसको लेकर के भी काफ़ी बवेला मचा हुआ है। इस सीट को लेकर के जिस तरह की राजनीति और रणनीति बनाई जा रही है उसे देख करके लगता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। आपको बता दें कि इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से 2020 के चुनाव के बाद एक्शन में आए थे नीतीश कुमार, और उनके एक्शन के बाद बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदला था। सबसे बड़ा बदलाव हुआ था कि लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो गई थी। रामविलास पासवान के निधन के बाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, चिराग पासवान पार्टी को चला रहे थे और उन्हें समर्थन भी मिल रहा था अपने सभी सांसदों का, लेकिन अचानक से रातों रात एक ऐसी बात सामने आई जिसमें चाचा पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों के साथ अलग अपना गुट कर लिया। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ सब आप जानते हैं। इसको लेकर के चिराग पासवान काफ़ी गुस्से में भी थे और नीतीश कुमार पर वो हमलावर रहे। हमला तो वो चुनाव से पहले भी कर रहे थे और जब NDA में थे तब भी कर रहे थे। हालांकि चिराग पासवान आज भी इस बात का दावा करते हैं कि वो NDA का हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उन पर है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि लगातार पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना हो या अन्य बातें हों, इन सब को लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अब एक अलग रणनीति के तहत काम करेंगे और उनकी अलग उनका रास्ता होगा, लेकिन चिराग पासवान शुरू से लेकर अंत तक कई ऑफर ठुकराते हुए, जैसा कि आपको पता है कि लालू प्रसाद ने भी ऑफर किया था कि MLC चुनाव साथ मिलकर के लड़ें और कई सीटें भी ऑफर की गई थी। खुद लालू प्रसाद ने इस बात को कहा था कि वो चिराग पासवान अगर साथ आते हैं तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान ने किसी भी संगठन या किसी भी गुट में जाने से अपने आप को रोक के रखा। इस बीच में वो अपनी शक्ति भी बढ़ाते रहे और बिहार की जनता के बीच में उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया है इस दौरान। अब एक नई बात सामने आ रही है और तब ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब NDA में घमासान मचा हुआ है, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और मुकेश सहनी काफ़ी वोकल हैं। उनका सीट छीन रहा है बोचहा का, उसको लेकर के भी वो काफ़ी, और ख़ास करके उनके साथ जो इस टसन में सबसे पहला दांव खेले थे वो थे उन्हीं के समाज से आने वाले अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर से सांसद भी हैं। उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात किया है और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि बोचहा विधानसभा सीट पर वो समर्थन करें भारतीय जनता पार्टी का। NDA को लेकर कभी भी संशय बना हुआ है और NDA का जो अधिकृत उम्मीदवार है वो कौन होगा, क्या वो VIP का होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है, जैसा कि कल हमने आपको बातचीत के दौरान सुनाया सारा बात। लेकिन अब जबकि अजय निषाद ने लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो जो कि रामविलास गुट है उससे चिराग पासवान से समर्थन मांगने के लिए उनसे मुलाकात की है, इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई, चिराग ने सहयोग का भरोसा भी दिलाया और चिराग बोचहा में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। भाजपा ने बोचहा में अपना उम्मीदवार उतारा है, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यह सीट मुकेश सहनी को दे दिया था। अब जबकि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन मांगा है तो इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा एक्शन प्लान और एक्शन प्लान को लेकर के चिराग पासवान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं, इसके मायने क्या हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।